हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं अभी अपने रूम में हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा कमरा है और यहाँ मैं बहुत कम आती हूँ। आज संडे का दिन है तो बस रूम बंद रहता है, तो इस वजह से काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, तो इस वजह से मैं अभी अपने रूम में आई हुई थी। और यहाँ पर मेरे पास अनाया यहाँ पर सोई हुई है, तो मैं बस यहाँ बैठी हुई थी थोड़ा ऐसे ही। और अभी साफ़ सफाई तो मैंने अभी तक करी नहीं, क्योंकि जब मैं आई थी वैसे अनाया रोने लगी, तो पहले मैंने उसको सुलाया और अब थोड़ा सफाई करूँगी मैं अपने रूम की। मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों, जब मैं इस रूम में आती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। मतलब क्योंकि मैं जिस दिन से मेरी शादी हुई मैं इस घर में आई हूँ, जब से मैं इसी रूम में रहती हूँ। लेकिन अब जब से मम्मी जी गए तो मैंने इस रूम में रहना छोड़ दिया है, नहीं आती मैं यहाँ पर। मेरा मन नहीं करता कि अब मैं इस रूम में रहूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे उनकी याद दिलाती है, हर एक चीज़ से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। और आज 27 तारीख है, आज से मम्मी जी के एक्सीडेंट को पूरे 4 महीने हो चुके हैं। कभी कभी सोचती हूँ काश ये सिर्फ एक सपना होता, एक बुरा सपना, कि हम नींद से जागते और सब कुछ फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 26 नवंबर की रात को लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी और शाम को 6 बजे वो घर से चले गए थे, और रात में वही 11 बजे हमारे लास्ट टाइम बात हुई थी। और उसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं हो पाई और मैं उनका वेट करती रही और मेरा इंतज़ार बस इंतज़ार ही रह गया। और वो फिर कभी घर नहीं आ पाए, हम कभी मिल नहीं पाए, हमने देखा नहीं दूसरे को। बस वही मुझे हमेशा वही चीज़ याद आती रहती कि मैं उनका वेट कर रही थी और मेरा इंतज़ार बस इंतज़ार में ही इंतज़ार ही रह गया बस, और वो कभी फिर मुझे मिल नहीं पाए। काफ़ी मुश्किल होता है उन चीज़ों को भूल पाना। पहली बात तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जिसे भूलने की तो कोशिश हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ थे। तो और जिनके साथ मैं इस घर में आई हूँ आज, वो ही नहीं है मेरे साथ, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते सारी चीज़ों को। और हमारी बहुत सारी यादें हैं, मेमोरीज हैं, जो हमारे रिश्ते को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। हमारी 2020 में शादी हुई थी फैब में, 14 फैब को, और 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। हमने एक ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट की साथ में, और सेकंड एनिवर्सरी जब आई तब वो मेरे साथ नहीं थी। सिर्फ यादें रह गई हैं और कुछ भी नहीं है। इंसान चला जाता है, बस उसकी यादें रह जाती हैं। और मेरी बाबू है मेरे साथ, मेरी अनाया, और आप सब मेरे साथ हैं। और आपसे बातें करके मुझे अपनी मेमोरीज वापस से याद आ गई सारी इस वजह से। और आपको मैं अपनी और रोमी जी की फ़र्स्ट फ़ोटो दिखाती हूँ, जब हम लोग फर्स्ट टाइम शादी के बाद उज्जैन गए थे और उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो मैं अभी आपको वो अपनी फ़ोटो दिखाती हूँ। सूरज, ये हमारी फ़ोटो है, लाइट की वजह से अच्छे से नहीं दिख रही है। ये हमारी फ़र्स्ट फ़ोटो है जब हम लोग उज्जैन गए थे, तो वहाँ पर भारत माता का मंदिर है, महाकाल के दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक भारत माता का भी मंदिर है। तो ये वहाँ की फ़ोटो है हमारी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शादी की सीडी है हमारी, एल्बम है, बट अब वो सारी चीज़ें देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जितना देखो जितना वो सारी चीज़ें याद आती हैं तो उतनी ही तकलीफ होती है, इसलिए उन सब चीज़ों को देखने का मन नहीं करता है। आज 4 महीने हो चुके हैं, तो बस कल रात को भी यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी बार बार कि मैंने कब उनसे बात करी, कब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी,
सीसीटीवी फुटेज में पता चला था कि लास्ट जो उनका एक्सीडेंट का टाइम था वो 12:16 था, और मैंने जो लास्ट कॉल उनको किया था वो 12:13 पर था, बट मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ था। उसके बाद जब उधर जब मेरी 1 बजे बात हुई तो तब मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है, और वो फ़ोन मेरे हस्बैंड ने नहीं रिसीव किया था, किसी पुलिस ऑफिसर ने रिसीव किया था। तो बस उसके बाद, और तब भी हमें नहीं पता चल पाया था कि मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे, हमको 27 को ही पता चल पाया था, वो भी तब जब वो हमारे घर आ जब एम्बुलेंस घर आ चुकी थी तब हमें पता चला था। बाकी हमारे पूरे मोहल्ले को पता था कि ऐसा हो चुका है, बट हमारी फैमिली को नहीं पता था। हमें तभी पता चला जब एम्बुलेंस में वो घर आ चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल भी आसान नहीं होता है इन सारी चीज़ों को नरेट करना, किसी को बताना। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों पर जल्दी से वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट आज ऐसे ही अपने रूम में आई थी तो बस सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं आपसे, इसलिए बस ये वीडियो शूट किया है। मिलते हैं बाद में।